हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बनाना सिखाएंगे कान्हा जी के लिए हुडी वाला शॉल। इसको बनाने के लिए हमने 10 नंबर की सिलाई ली है। इसमें हम फंदे डालेंगे, फंदे 9 डालेंगे। देखिए 5, 7, 8, 9 हो गए। ये देखिए 9 फंदे मेरे हो गए। इसमें ऊन में हम गेठा लगा लेंगे, नहीं तो फंदा मेरा खुल जाएगा। अब हम पहले हम 4 फंदे उल्टे बिन लेंगे। ऊन मेरा आगे ही रहेगा, पीछे नहीं, आगे ही रहेगा। और इसके ऊपर से हम एक जाली बना लेंगे, फिर हम ऊन आगे करेंगे, फिर एक जाली बना लेंगे और उधर पीछे 3 फंदे जो बचे हैं उनको हम उल्टे बिन लेंगे। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी उल्टी बिनेंगे। सीधी सिलाई हम उल्टी, मेरी पूरी उल्टी उल्टी हो गई है। अब हम फिर सीधी सिलाई में हम डिज़ाइन बनाएंगे। इसमें हम आगे से और पीछे से उल्टी ही उल्टी बिनेंगे सिलाई। उन आगे करके जाली बनाएंगे। देखिए चोटी के ऊपर हम जाली बनाएंगे, पीछे के फंदे फिर हम पूरे उल्टे उल्टे बिन लेंगे। उल्टी सिलाई फिर हम पूरी उल्टी बिन लेंगे। ऐसे ही हम 22 जाली तक बिन लेंगे। ऐसे ही पूरी हमने 22 जाली बनाई है। ये देखिए 4, 5, 6, ये देखिए अब मेरे इधर के किनारे के 7 फंदे हो गए। फंदे ये बढ़ते जाएंगे ऐसे ही। उल्टी सिलाई में हम उल्टा ही उल्टा बिनेंगे। सीधी सिलाई में फिर हम बीच चोटी से जाली बनाते हुए फंदे बढ़ाते हुए आएंगे। देखिए उल्टी सिलाई पूरी बिन लेंगे। अब हम फिर चोटी जब आएगी वहाँ पे हम फिर जाली बनाएंगे। ये देखिए जाली बनाए, फिर आगे काउंट किया, फिर उल्टा उल्टा बिन लिया। देखिए जाली हम गिन लेंगे, 22 जाली हमारी होनी चाहिए, 22 जाली है। अब फंदों को 3 भागों में बांट लेंगे। ये फंदे मेरे 54 हो गए थे, 54 में 18 18 दो तरफ हमने किया है और बीच में हम इधर भी हम 18 फंदा निकाल लेंगे और बीच में हम 17 फंदा घटा देंगे। ये देखिए पूरे 17 फंदा घटा देंगे। फंदा बिन के फिर दूसरा फंदा बिन के ऊपर 1 का 2 कर लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। फंदे
बीच के हम 17 फंदे घटा लेंगे। किनारे किनारे हमने इसमें फंदे तीन तीन के जोड़े से रखे जाते हैं। अभी हम ऊपर से लेके नीचे तक पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बिन लेंगे। अब इधर से हम पूरी सिलाई बिनते आएंगे, ऊपर के तीन तीन फंदे छोड़ते हुए तीन फंदे नहीं बिनेंगे। ये देखिए, ये देखिए हमने तीन फंदे हमने नहीं बिने। अब वहीं से ऊन को पलट लेंगे, फिर नीचे तक हम पूरी उल्टी सिलाई बिन लेंगे। ऐसे ही ऊपर से ही फंदे तीन तीन छोड़ते हुए नीचे तक आएंगे। देखिए, फिर इसी सिलाई में फिर हम तीन फंदे फिर छोड़ देंगे। ये देखिए, फिर उनको हमने अपनी तरफ घुमा लिया, यहीं से ऊन पलट के फिर उल्टी उल्टी पूरी बिन लेंगे। ऐसे ही पूरी सिलाई में तीन तीन फंदे छोड़ते हुए पूरी सिलाई को हम पूरा करेंगे। ऐसे हम दूसरी तरफ भी फंदे को चढ़ा के ऊन को जोड़ के हम दूसरी तरफ भी हम ऊपर से ही हम तीन तीन फंदे छोड़ते हुए बिनेंगे। अब हम इन फंदों को घटा देंगे। ये देखिए, सारे फंदे हम घटा देंगे दो का एक करते हुए ऊपर तक घटा देंगे। देखिए, पूरे फंदे घट गए। अब इसमें हम गेठा लगा लेंगे, ऊन में को काट दिए, यहीं से हम गेठा लगा लेंगे। अब ऐसे ही दूसरी तरफ उनको ज्वाइन करके ऊपर से ही फंदे, पहले ये हम पूरी सिलाई बुन लेंगे। क्योंकि हम ऊपर से इसमें ऊन लगा रहे हैं तो ये पूरी सिलाई हमको बिननी पड़ेगी। फिर हम नीचे से आएंगे बुनते हुए, फिर हम तीन फंदे छोड़ेंगे। जैसे पहले वाले पल्ले में किया था वैसे ही दूसरी तरफ भी हम करेंगे। ये देखिए, हमने तीन फंदे छोड़ दिए, फिर उनको हमने पलट लिया, पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम क्रोसिया
से हम कंगूरे बनाएंगे। ऊन का जो सिरा इसमें लगा था उसी में हमने ऊन को ज्वाइंट कर लिया है। यहीं से हम पहले क्रोशिए से हम सिंगल बुनाई बिन लेंगे, फिर उसके बाद हम कंगूरे बनाएंगे। ये देखिए गीठे की वजह से ऊन फंस गया। देखिए ऐसे ही पूरे में हम क्रोशिया से सादी बुनाई कर लेंगे। देखिए ऐसे ही पूरे में हम बुनेंगे। ये देखिए पूरा हमारा सादा सादा बिन लिया है। अब हम इस पे कंगूरा बनाएंगे। ये देखिए चेन, तीन चेन बिन लिया और इसमें हम एक ही ब्लॉक में हम चार बार फंदे बुनेंगे। ये देखिए अब तीन ब्लॉक छोड़ के हम उसी में हम कोच देंगे फंदे को। एक चेन, दो, फिर बिना, फिर हमने चार फंदे एक ही ब्लॉक में डाल के चार बार बुनेंगे। अब बिना फंदा लिए हम तीन फंदों को छोड़ के हम कोच देंगे। फिर एक चेन लेके फिर हम ऐसे ही पूरे में ऐसे ही कंगूरे बनाते हुए आएंगे। देखिए पूरा शॉल मेरा कंप्लीट हो गया है। ऊन को हम, ये ऊन मेरे बाहर दिख रहे इसलिए अंदर को हम फंसा देंगे। ये देखिए देखिए शॉल मेरा कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम आगे क्रोशिया की सहायता से हम डोरी बनाएंगे। ये देखिए ऊन को हमने फंसा लिया गिट्ठे से। अब इसमें हम चेन बिन लेंगे चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह।
14 15 17 18 19 20 चेन हमने बेल ली। अब इसको हम यहीं से को काट के गीठा लगा लिया। अब ऐसे ही दूसरी तरफ भी नाप के हम निशान लगा के इधर भी हम चेन बिन लेंगे। जैसे उधर बनाया चेन ऐसे इधर भी हम 20 चेन बिन लेंगे। अब हम इसमें देखिए पॉम्प अप बना के इसी डोरी में हम गिठा लगा के कर लेंगे। इसको हम 20 से काट लेंगे। अब उनको हम बराबर कर लेंगे। ऐसे ही हम दूसरी तरफ भी बनाएंगे। ये देखिए हमने अपने कान्हा जी के लिए हुडी शॉल बना के कंप्लीट कर लिया है। आप भी अपने कान्हा जी के लिए हुडी शॉल बना के देखें और मेरे चैनल पे ऐसी ही वीडियो आगे भी मिलती रहेंगी। मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।